श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि चींटियां क्या भविष्यवाणी करती है या भविष्य की बातें किस तरफ से बताती है। देखिए, एक वर्ष में तीन मौसम बताए गए हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। अभी तो गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, अभी तो समझ लीजिए कि अप्रैल शुरू हुआ है और गर्मी का मौसम समाप्त जैसे ही होगा तो बारिश की शुरुआत होगी। बारिश को लेकर हमेशा से कई प्रकार की भविष्यवाणियां की जाती रही। ज्योतिष के अनुसार तो बारिश का सिर्फ भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चींटियां भी बारिश की भविष्यवाणी करती है और बारिश की पूर्व सूचना दे देती है। आप पूछें कैसे? अक्सर काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि बारिश के पूर्व चींटियों के झुंड पेड़ पर चढ़ते उतरते दिखाई देते हैं। ध्यान से देखने पर मालूम होता है कि चींटियां सफ़ेद रंग के छोटे छोटे अंडे पेड़ के ऊपर की ओर ले जा रही होती हैं। यदि ऐसा दृश्य कभी भी दिखाई देता है तो समझ लेना चाहिए कि बारिश होने वाली है। बारिश के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एक काफ़ी पुराना तरीका है। आज भी कई स्थानों पर इस तरीके का उपयोग बारिश की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यदि अत्यधिक वर्षा या सामान्य वर्षा के समय चींटियां अपने अंडे पानी में डाल दें तो ये संकेत है कि बारिश रुकने वाली है। जब चींटियां अपने अंडे पानी में डालने लगे तो समझ लेना चाहिए कि बारिश शीघ्र ही थम जाएगी। चींटियों को बहुत ध्यान से देखने पर ये बात आपको आसानी से मालूम हो जाएगी। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।